दोस्तों, भरोसा अगर खुदा पर है तो जो तकदीर में लिखा है वो मिलेगा, परंतु भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वो लिखेगा जो आप चाहेंगे। और दोस्तों, उस शख्स की कदर करने में कभी देर मत करना जो आज के दौर में भी तुम्हें अपना वक्त देता हो। और इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। और नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में अक्सर पड़ जाया करते हैं। और दोस्तों, कड़वा सत्य है कि माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, परंतु माता पिता की वसीहत सबको अच्छी लगती है। और रिश्ता दिल में होना चाहिए, शब्दों में नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। और एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा अपनी मंजिल को, ठोकरे जहर तो नहीं जो खा कर मर जाऊंगा। और दोस्तों, इंसान जब कुछ गलत करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे तो देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। और दोस्तों, जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। और खुश रहने का बस एक ही मंत्र है कि उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। और दोस्तों, उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। और दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। और दोस्तों, जब रिश्तों में नाराजगी, शिकायतें और उम्मीदें कम होने लगे तो समझना दूरियों ने जगह बनानी शुरू कर दी है। और एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना रिश्तों में कोई तराजू नहीं होता। और दोस्तों, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है किसी ने कि मन में कुछ भरकर जिएंगे तो मन भरकर जी नहीं पाएंगे। और दोस्तों, इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र बीत जाती है। और आजकल के रिश्तों से तो मोबाइल की बैटरी ज्यादा अच्छी है, खत्म होने से पहले वार्निंग तो देती है। और दोस्तों, धोखा खाने वाला तो धोखा खाकर समझ जाता है, पर देने वाला खुद को ज्यादा समझदार समझकर गलतियां करता जाता है। और दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। और जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सूखा करते। और कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। और मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, इसलिए मेहनत करते रहिए। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी।